तो चलिए ट्रांसलेशन यू केरोट देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर्स के रोल्स आते रहेंगे, तो उन रोल्स के ऊपर बात करेंगे, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। सो 40-60 यहाँ पे राइबोसोम का पार्ट होता है जो डिसोसिएट होता है, दिस इज द 40 एंड 60, ठीक है। तो पहले बात, नॉर्मली अगर बात की जाए तो देखिए 40 और 60 अलग होते हैं, ये बनाते हैं ATS, ATS जो होता है फिर बनाता है आपका पॉलीसोम, ठीक है। तो दिस इज केस, ये जो होते हैं जुड़ के मल्टीपल, पॉलीसोम का मतलब मल्टीपल ATS राइबोसोम, व्हाट इज इट पॉलीसोम, मल्टीपल ATS राइबोसोम जो हो गए, ठीक है, तो वो पॉलीसोम्स बना लेंगे जुड़ के। सो ये केस आते रहते हैं सिक्वेंशियल वे में, ठीक है, सिक्वेंशियल वे में 40-60 है, फिर 80 है, फिर पॉलीसोम्स का केस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। सो दिस इज लाइक, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो देखिएगा स्टेप वन में क्या हो रहा है कि जैसा वहां पे काम कर रहा था अगेन वहीं पे EIF3 है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे बस स्मॉल ई का मतलब जो हो जाता है इनिशिएशन फैक्टर, IF का मतलब है, ध्यान देना, ई का मतलब है यूकेरियोट, आई का मतलब है इनिशिएशन, ठीक है, और एफ का मतलब है फैक्टर, एफ का मतलब है फैक्टर, और इलोंगेशन फैक्टर में क्या हो जाएगा ई, दिस इज यूकेरियोट, दिस इज इलोंगेशन, ये जो है इलोंगेशन हो जाएगा, और एफ का मतलब है फैक्टर। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ रिलीज फैक्टर आ जाएंगे, RF रिलीज एंड फैक्टर, ई का मतलब यूकेरियोट, ठीक है। तो ये चीज बाद में कंफ्यूज मत करना कि क्या हो रहा है। नाउ इसके अलावा जब हम बात करें, देखिए इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड इनिशिएशन फैक्टर 1A जुड़ते हैं और स्मॉलर सब यूनिट के लिए, देखिए वो इसी तरीके से ये है ई और ये है 1A, सेम थिंग, जब ये कहां बाइंड करेगा, ये ए साइड पे बाइंड करेगा, पी साइड को छोड़े रखेगा और ई साइड पे इस तरीके से बाइंड, तो ये पी साइड पे पहला बाइंड करने के लिए हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जुड़ा रहता है। अगेन सेम वहां पे भी मैंने आपको इसी तरीके से बताया था, वन का जो था 1A या ए साइड पे था, 1A ए साइड पे, ध्यान रखना ये तो पूरा का पूरा दे ही दिया है 1A ए साइड। 3 का मतलब वहां पे 30 था, बट यहाँ पे क्योंकि स्मॉलर सब यूनिट 40 है तो 40 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी तरीके से बात करते हैं 2, देखिएगा कि जब EIF2 GTP, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए अगेन 2 था, 2 मतलब TT मेथियोनिन tRNA, यहाँ पे कैसा होगा, स्टार्टिंग जो है वो मेथियोनिन होता है, स्टार्टिंग जो है दैट इज लाइक स्टार्टिंग अमीनो एसिड जो है, स्टार्टिंग अमीनो एसिड दैट इज मेथियोनिन, मेथियोनिन होता है, नॉट फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन। अगेन ये देखिए कि EIF2 GTP मेथियोनिन tRNA जुड़ने के बाद ये बनाया, बढ़ने के बाद देखिए ये क्या हो गया, देखिए ये कहां पे लेके आया, ये लेके आया पी साइड पे, ये था ए और ये था ई, दिस इज द केस ऑफ स्टेप 2, ठीक है। सेम वैसा ही चल रहा है, बस नॉमेनक्लेचर थोड़ा थोड़ा अलग है, यहाँ पे ये चीज इन्वॉल्व हो रही थी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं समझ में आई आपको कि यहाँ पे 2 जो है वो आपके tRNA से चार्जिंग या इस तरीके से, वेरी सिंपल। लेकिन पंगा तब होता है जब 4 जुड़ता है, वहां तक तो 3 में ही काम चल गया था, लेकिन 4 अब जुड़ेगा और 4 जो है बहुत खतरनाक है। खतरनाक ये है कि ये जो है EIF4F कॉम्प्लेक्स, ये बनता है 4A, E और G से, ठीक है, 4A और G बाइंड करते हैं और 4G और E बाइंड करते हैं। सो इनके कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो इन्वॉल्व होते हैं, क्या होते हैं, जैसे कि आपने mRNA देखा होगा, तो mRNA पे एक था 5' और एक था 3', ठीक है, 3' पे पाया जाता था एक प्रोटीन जिसको बोलते थे पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, और यहाँ पे बाइंड करता है 4E, यहाँ पे बाइंड करेगा 4E, इस तरीके से यहाँ पे बीच में बाइंड करता है 4A, इन सबको एक्चुअली 4G जो होता है पूरा का पूरा ऐसे जोड़ता है, 5 वाले को देखिए 4E जोड़ेगा इस तरीके से, PA BP जुड़ा रहेगा 3' एंड से, ठीक है, और यहाँ पे 4G इनको जोड़ के रखा रहेगा, 4A हो गया, 4B हो गया, तो ये एक्चुअली 4F कॉम्प्लेक्स है जो कि क्या कर रहा है, देखिए 5' कैपिंग, ये जो है पॉली ए टेल पे इन्वॉल्व होता है, पॉली ए टेल को PABP लेगा और यहाँ पे कैपिंग के लिए इस तरीके से जुड़ता है, तो ये जो है कैप बाइंडिंग प्रोटीन है, एक जो है PABP बाइंडिंग प्रोटीन है, तो इन सबको जोड़ के इनिशिएशन में हेल्प करता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि वाइड ये जो कैपिंग है, ये जो पॉली ए है कैसे ट्रांसलेशन में इनिशिएशन में हेल्प करता है, तो दिस कैपिंग हो चाहे पॉली एडेनाइलेशन हो, ये कैसे हेल्प कर रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है, इनपे प्रोटीन से ही 4F कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है और इस तरीके से लेके चलता है, ठीक है।
नाउ ये स्टेप टू आपको यहाँ पे पता चल गया था कि स्टेप टू में मैंने बता दिया था कि इस तरीके से केसेस दो EIF टू GTP बाइंड करके ये पूरा का पूरा किस्सा जो है वो चल रहा था। थोड़ा सा जूम करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि दिस इज द केस जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा था, EIF टू GTP एंड मेथिलीन आरएनए जुड़ गया कहाँ पे, दिस इज द केस जो आपको बताया गया था, ये कौन सा साइट था, ये था ए साइट और ये था पी साइट और ये था ई साइट। नाउ इसके बाद जो है कि देयर इज केस जहां पे आपको बताया गया हियर इज mRNA, mRNA से अलग अलग साइट पे 4A, B, H, F ये सारे के सारे कॉम्पोनेट बाइंड करेंगे एंड दे विल एक्टिवेट द mRNA। इनको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए था, ATP चाहिए था और 4F कॉम्प्लेक्स चाहिए था, और क्या चाहिए था, 4F कॉम्प्लेक्स जो है चाहिए किसको एक्टिवेट होने के लिए, mRNA को एक्टिवेट करने का तरीका बताया मैंने, बेंडिंग किया, बेंडिंग करने के बाद नाउ देखिएगा स्टेप थ्री पे आपने ये चीज की, mRNA को एक्टिवेट किया, ठीक है, mRNA को आपने एक्टिवेट किया। नाउ मूविंग टू द स्टेप फोर, स्टेप थ्री ये था, स्टेप फोर पे मूव कर रहे हैं, स्टेप फोर पे मूव करेंगे तो देयर इज केस देखिएगा कि मेथियोनिन ये सारी की सारी चीजें थी, पॉली ए बीपी यहाँ पे बाइंडेड था, ये था इसको मोड़ा, यहाँ पे फैक्टर्स को जो कि पूरा का पूरा लेके आ रहा था, ये सारी चीजें चल रही थी यहाँ पे। अब देखिएगा कि EIF स्कैनिंग मैकेनिज्म इज देयर, स्कैनिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि ये ढूंढेगा क्या, इनिशिएटर कोडॉन या आप बोल सकते हैं कोजैक सीक्वेंस, क्या ढूंढेगा, कोजैक सीक्वेंस ढूंढेगा या इनिशिएटर कोडॉन AUG ढूंढेगा, ये जो ढूंढेगा यहां पे है AUG, देखो ये चीज ढूंढे पहुंचा और ये है AUG से मिला और इस तरीके से चीजें जो है। अब जैसे ही AUG मिला आ जाएगा काम EIF फैक्टर फिफ्थ का, ये फिफ्थ जो है 2 GTP को अलग करेगा, भाई इनिशिएशन का काम हो गया तो निकल जा, तू जा अपना प्रोसेस कर फिर से, इसके साथ साथ जो है कि दैट 2A जो है निकल के चला गया और ये पूरा का पूरा केस जो है चल रहा था। नाउ EIF 5 आएगा, इन सबको बाहर करेगा, EIF 5B जब आएगा तो ये कहेगा कि नाउ ठीक है 68 सब यूनिट को लेके आओ, EIF 5B कहेगा 68 सब यूनिट को लेके आओ, लेके आने के बाद ऊपर रखेगा और पूरा का पूरा ये करेगा। स्टार का मतलब है रिलीज ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स, ठीक है, जो रिलीज ऑफ इनिशिएशन फैक्टर्स हो जाएंगे और चले जाएंगे, एग्जैक्ट टाइमिंग अननोन नहीं है, तो इनिशिएशन फैक्टर को रिलीज कर लेगा और इलॉन्गेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस जो कि आपका पूरा का पूरा केस इन्वॉल्व हो रहा था। अगर आप इस चीज को लर्न कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं लर्न कर पा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि आपको पूरा का पूरा वही ऑर्डर है, पहले 1 फिर 3 फिर 2, ठीक है, पहले 1 करेगा ए को ब्लॉक, 3 करेगा 4TS को, 2 करेगा tRNA को, इसके बाद आता है 4F कॉम्प्लेक्स, 4F कॉम्प्लेक्स के बाद आएगा स्कैनिंग, ठीक है, 4F कॉम्प्लेक्स आएगा स्कैनिंग, स्कैनिंग के बाद आएगा EIF 5, ठीक है, ये इनिशिएशन फैक्टर मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो समझ जाना कि वो लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 5 के बाद आएगा इनिशिएशन फैक्टर 6 और इस तरीके से पूरा का पूरा ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया और ये है आपका इनिशिएटिंग कॉम्प्लेक्स। तो इस पर्टिकुलर केसेस में अलग अलग जगहों पे ये चल रहा था, जब ये था तो यहाँ पे बनता है 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये जब 4F बनता है तो 48S बनता है, यहां तक जब आपका जुड़ा रहता है तो V8 इज 43S, यहां तक आएगा स्कैनिंग तक तो दिस इज 48S और आफ्टर दिस बाइंडिंग इट इज 8S। तो सबसे पहले क्या बनता था, सबसे पहले 40 था, 40 से 43S, फिर उसके बाद 48S और उसके बाद 80S कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनते हैं और 80S जब और ज्यादा हो जाता है तो इट विल फॉर्म पॉलीजोम, ये क्या करेगा, ये पॉलीजोम बनता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो कि आपका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, ठीक है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। सो यहाँ पे वही चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इलॉन्गेशन के केस में आशीर्वाद प्रसाद और एक ये पूरा का पूरा वही चीज है जो आपको ध्यान रखने की कोशिश करना है, समझना है, ठीक है। सो जिस लाइक की वेरी सिंपल थिंग, अगर आप देखेंगे एक बार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांस चीजों पर ओवरलैपिंग करके तो देखिएगा बहुत सीधा सा है, बाकी इसमें इनिशिएशन का ही पंगा है और कुछ नहीं है, बस बाकी इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन जो मैंने प्रोकैरियोट में बताया था एग्जैक्टली वैसा ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो पंगा है वो पंगा सिर्फ और सिर्फ आपका इनिशिएशन का है, ठीक है, तो ये चीज देखने की कोशिश करिएगा। चलिए कंपैरेटिव के साथ पढ़ते हैं, राइबोसोम इसमें 70S, 50S, 30S ये पाया जा रहा है, ठीक है, इसके अलावा जो है दिस इज द केस हियर, ये पाया जा रहा है, इसमें 80S होता है, 55S और 70S भी होता है,
ओवरलैप विद ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे होता है क्योंकि मशीनरी छोटी होती है, इसमें कोई भी ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। इसमें स्टार्टिंग फॉर्मुलेटेड होता है प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में मेथियोनिन होता है। रिकॉग्निशन साइड लगनो सीक्वेंस होता है इन यूकैरियोट्स, स्कैनिंग मैकेनिज्म कोजैक सीक्वेंसेस। इसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी 23S आरएनए करता है ए साइट पे, ठीक है, ए साइट पे पाया जाता है। एंड ये जो होता है यूकैरियोट में 28S राइबोसोमल आरएनए होता है इसमें। नाउ इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3, 1 ये कहता है कि पहिया पी साइट पे बाइंडिंग करेगा सो दैट मैं 1A को ब्लॉक करूंगा किसी वजह से। 2 कहता है कि मैं फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन जीटीपी और टीआरएनए से जुड़ के क्या करूंगा, कैरी करूंगा इनिशिएटर टीआरएनए को। 3 कहता है कि पहले 30S को बाइंड कराऊंगा, 50S को नहीं कराऊंगा। कोड आपको पहले ही बता चुका हूं इस चीज के बारे में। यूकैरियोट का ध्यान रखना 1A एंड 1B ये पहले जैसा काम करेंगे, पी साइट पे बाइंड करवाएंगे ए साइट को ब्लॉक करके। 2 का काम होता है जीटीपी से बाइंड करना और ये जो होता है 40S और IF3 से बाइंड करना। 2B जो है फर्स्ट बाइंड 40S एंड IF3, ये चीज होती है जो कि आपका टीआरएनए को लगाना है। IF2 ही टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है 2 GTP tRNA अमीनो एसिड वाला काम। 4F कॉम्प्लेक्स में अगर हम बात करते हैं तो हेलिकेज की प्रॉपर्टी होती है 4A के पास। हेलिकेज है 4A, PA-BP के साथ बाइंड करेगा। कैप बाइंडिंग होता है 4E, 5 कैप से बाइंड करेगा। स्कैन जो करता है 4B करता है। ये जो कॉम्प्लेक्स आता है तभी स्कैनिंग मैकेनिज्म शुरू होता है। वो स्कैनिंग करता कौन है, वो करता है आपका AUG 4B करता है स्कैनिंग होता है AUG के लिए। एंड 4G इज द लिंकर ऑफ लाइक दिस वन। एंड 5A एंड B, 5A डिसोसिएट अदर फैक्टर्स एंड B इनेबल्स द 60F सब यूनिट। यही कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3 तो आपका क्लियर है भैया, 1, 2, 3 तो आपका क्लियर है, बस 4F जो है इसमें नया आ जा रहा है और 5th जो है वो नया आ रहा है क्योंकि 60S को इनेबल करेगा। 5A डिसोसिएट करेगा अदर को, बी 60S को इनेबल करेगा। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। इस फैक्टर्स में अगर आपने कर लिया, अगर किसी को पीछे छुप रहा है तो लेट मी लाइक मैं उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देख लो, ठीक है। तो यही चीज है आपका 1A ध्यान रखना, 2 ध्यान रखना टर्नरी, ये 2 से 2 टर्नरी कॉम्प्लेक्स मतलब जो अलग टीआरएनए से जुड़ता था। 4 में जो था 4A हेलिकेज था, हेलिकेज PA-BP से बाइंड करा। देखो ए पॉली ए टेल से बाइंड करेगा, PA-BP किससे बाइंड करता है पॉली ए टेल से, ये पॉली ए से बाइंड करता था। 4E कैप से बाइंड करता है 5 कैप से, ठीक है। और B जो है स्कैन करता है स्कैनिंग मैकेनिज्म AUG के लिए। एंड G जो होता है लिंक करता है 4E और 4A के लिए। एंड 5A डिसोसिएट अदर फैक्टर जो अदर इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। एंड B जो है 60S को लेके आता है। दिस इज द वेरी सिंपल मैकेनिज्म, अगर आप इस तरीके से समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। नाउ ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। एक बार फिर से मैं इस चीज को समराइज कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया फॉर यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब होता है और कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो फिर से मैं इस चीज को बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका 5', इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप है, 5' कैप है ये, और देयर इज लाइक पॉली ए टेल शुड बी देयर, यहाँ पे पॉली ए टेल जुड़ा होगा, दिस इज 3'। यहाँ पे जो होता है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि ये पर्टिकुलरली केस पे यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंडेड होगा, दैट इज नोन एज PA-BP, ठीक है, बाइंडेड होगा इसके साथ। अब यहाँ पे कुछ कुछ प्रोटीन इस कैप पे प्रोटीन बाइंड करेगा और इस पे बाइंड करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये है 4E और ये है 4A। अभी तक इस तरीके से ये चीज चल रही थी, कोई काम नहीं हुआ था। मान लो कि यहाँ पे जो है इनिशिएटर जो है वो आपका AUG पाएगा जस्ट, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये इसकी वजह से ये बेंडिंग कॉज करता है, कैसे करेगा, दिस वन देख इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से बेंडिंग कॉज किया। अगर आप इसमें देखेंगे तो अगेन दिस इज CS3, ये जो है 5', और इसमें ये कुछ ए तरीके से ये चल रहा था 3'। जैसा कि आपको बताया गया कि इससे बाइंड किया था PA-BP, उसी से बाइंड किया था 4A, यहां पे बाइंड किया था 4 आपका दैट इज दिस E, और यहां पे है आपका 4G एंड दिस इज, देखिएगा ये क्या है, ये है आपका PA-BP, यहां पे क्या इन्वॉल्व हो रहा था, दिस इज 4A, ये है 4E, इनको लिंक करने वाला 4G
दुनिया में ए और ई को कौन लिंक किया था, 4G लिंक किया था, 5 प्राइम से 4E था, 3 प्राइम से BABP, यहाँ पे ये है 4B, और ये अल्टीमेटली स्कैन करते हुए पहुंचेगा कहाँ पे, AUG के पास, और ये है स्टार्ट कोडॉन और स्टार्टिंग शुरू, ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म, ये है 4F कॉम्प्लेक्स, बस यही चीज है जो यहाँ पे थोड़ा सा करना है, बाकी तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। सो होप कि आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। नाउ इसके बाद 5 और वो लेके आएंगे, बाकी चीजें चलेंगे। सो ट्रांसलेशन इलॉन्गेशन इज लाइक क्वाइट सिमिलर, देयर इज नथिंग डिफरेंस, बस नाम याद रखना है। EFQ जैसे आपको पता था लोडिंग करता था ए साइट पे GDPTR के साथ, TSV जनरेशन करता था, G जो था वो ट्रांसलोकेशन करता था, यहाँ पे 23S पे पैडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी करता था, जी यहाँ पे बाजार ट्रांसलोकेशन, TU रीजनरेशन। सिमिलरली TU का सिमिलर होता है 1A, इलॉन्गेशन फैक्टर 1A, TS का सिमिलर होता है 1B, सिमिलर सेम एस TU लोडिंग करेगा, सेम एस TV रीजनरेशन ऑफ 1A करेगा, एंड G का होता है 2, दैट इज ट्रांसलोकेशन करेगा, एंड 20S फॉर द पेप्टाइड ट्रांसफरेज। ये जो है एग्जैक्ट वही मैकेनिज्म है, देयर इज नथिंग डिफरेंस, लाना डिकोड करना जो मैं आपको बता चुका हूँ, बस फैक्टर्स याद रखना कौन कौन कहा जा रहा है, ठीक है। टर्मिनेशन में रिलीज फैक्टर UAA एंड UAG के लिए कहा जा रहा है, रिलीज फैक्टर 2 रिकॉग्नाइजेस UGA एंड ऑल्सो UAA, UAA को करेगा ये भी, एंड रिलीज फैक्टर 3 इज फॉर रीजनरेशन जो होता है, ये डिसोसिएशन ऑफ रिलीज फैक्टर 1 एंड 2 एंड रीजनरेशन के लिए पाया जाता है, एंड दिस इज लाइक ERF1, ERF2 एंड ERF3, ये यूकेरियोट में होते हैं, दैट इज द सेम एज प्रो, ठीक है। सो होप यू गॉट लाइक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जाने से पहले देयर इज वन स्लाइड जहां पे मैंने बात किया था दिस पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं OST पे, एंड ओ जो ग्लाइकोसाइलेशन होगा ST सेरीन प्यूरिन, सिंगल लेटर कोड है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, कई लोग कहेंगे कि गड़बड़ हो गया, दिस इज सेरीन एंड प्यूरिन है, एंड ग्लाइकोसाइलेशन एस्पैराजीन पे हो रहा है, एन से एन, सी जो हो रहा है वो हो रहा है टायरोसिन पे, ठीक है, ये जो है एस्पैराजीन का केस चल रहा है। सो दिस इज केस की आपको क्या करना है कि एन वाला कहाँ करना है, एन वाला एस्पैराजीन पे ग्लाइकोसाइलेशन। इसके अलावा कुछ अलग अलग ग्रुप्स पे OHCHO ये सारे अलग अलग ग्रुप्स में कोड जो है स्टेशन से बाइक ऑन करके PG पर कुमारी किरण सत्य बोलती है, ठीक है, या किरण कुमारी सत्य बोलती है, तो इट वॉज लाइक ये पूरा का पूरा केस है। अलग अलग ग्रुप पे मॉडिफिकेशन जैसे OH पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपके नॉर्मली जो OH हाइड्रोक्सिलेशन या फॉर्मुलेशन प्रोलीन ग्लाइसिन पे हो गया है, यहाँ पे एसिटाइलेशन जो है ये लाइसिन पे है, अलग अलग ये फॉस्फोराइलेशन है STY सेरीन प्योरिन, दिस इसको क्या बोलेंगे, ये है फॉर्मिल ग्रुप है जो जुड़ना हो गया, ये है एसिटाइलेशन, ये है फॉस्फोराइलेशन, और ये है मेथाइलेशन लाइसिन पे। तो ये कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किस पे हो रहा है, आप ध्यान रखे रहिएगा, ये क्या है कि एसिटाइल एक कुछ कुछ चीजों पे ध्यान रहेंगे, कोड के तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली एडिशन ऑफ सेलिनोसिस्टीन के लिए चीजें पाई जाती है, ये वैसे CSIR में पूछा गया है, इसमें नहीं पूछा गया है, बट मैं बता दे रहा हूँ बेसिक में, सो दैट कि अगर कभी पूछा जाए तो आपके पास पता हो। कोड है द क्यूट अमिताभ बच्चन डी द कैब, ठीक है, क्या करना है द कैब याद रखना, यानी कि सेलिनोसिस्टीन पहले तो क्या करता है कि ये सेरीन को, ठीक है, सेलिनियम को सेल डी से जोड़ेगा, सेल डी इसको जोड़ेगा, tRNA सेलिनोसिस्टीन से क्या करेगा, tRNA सिंथेसिस से जोड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टीन होता है सेलिनोसिस्टीन नहीं सेरीन जोड़ता है, कौन जोड़ता है सेरीन, tRNA जो होता है सेरीन सिंथेज सेरिल वाला, तो सेरीन जोड़ा, tRNA जो है यहाँ पे सेरीन जोड़ गया, अब इस सेरीन को मॉडिफाई करेगा सेल बी सेरीन को कन्वर्ट करेगा सेलिनोसिस्टीन में, सेल बी इनकॉर्पोरेट करेगा और टर्नरी कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। तो बहुत ही सीधी सी बात है, डी कैप जो होता है ये सेलिनियम से सेलिनियम फॉस्फेट, ध्यान देना सेलिनियम फॉस्फेट बनाएगा, ये सी जो है उसको tRNA से सेलिनियम को सेरीन को जोड़ेगा, इनको आपस में जोड़ने वाला जो होता है सेल ए होता है, आपस में जोड़ के ये काम करेगा और इसको मॉडिफाई करेगा, अल्टीमेटली फिर वो उसको इनकॉर्पोरेट करने वाला सेल बी होता है, ठीक है। सो सेलिनोसिस्टीन के तरीके से ये चीज हो जाएगी, ठीक है, ये सेलिनोसिस्टीन ही होगा ना, सो दिस इज द केस सेलिनोसिस्टीन, ये नॉट सेलिनोसिस्टीन,
वो सीधा सा है, देखो सेलीन से कहते हैं कि इसको सेलेनियम फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, सेलेनियम फॉस्फेट से सेल डी किया, सेल सी सेरीन को ऐड किया, इनको आपस में जोड़ के सेलनोसिस्टीन बनाने का काम सेल ए करेगा, सेलनोसिस्टीन को इनकॉर्पोरेट करने का काम बी करेगा, दिस इज द केस, ठीक है, ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है। सो देयर इज अ केस ऑफ एंटीबायोटिक्स, अलग अलग एंटीबायोटिक्स पूछे जाते हैं सेल वॉल सिंथेसिस के लिए, पेनिसिलिन बैक्टीरियासिन जो होते हैं, पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टिडेशन को इनहिबिट करता है, बैक्टीरियासिन सेल वॉल को, वेनामाइसिन ट्रांसपेप्टिडेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, माइटोमाइसिन, नैलाडेक्सिन, नोवोबायसिन, दली दे गायरेज एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में रिफामाइसिन, ये सारी चीजें होती हैं, एंड दिस इज नॉट एंटीमाइसिन, दिस इज एक्टिनोमाइसिन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कि एक्टिनोमाइसिन डी जो हो जाएगा। सो दिस इज लाइक ये सारे के सारे केसेस जो है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक्टिनोमाइसिन डी हो जाएगा, दिस इज रिफामाइसिन बीटा सब यूनिट को अफेक्ट करेगा, एक्टिनोमाइसिन जो है ब्रेक करेगा, ब्लियोमाइसिन कट करता है डीएनए को, इसके साथ साथ ट्रांसलेशन में जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, कैनामाइसिन 16S आरएनए को इनहिबिट करेंगे, टेट्रासाइक्लिन ए साइट को इनहिबिट करता है, प्यूरोमाइसिन इनहिबिट द टीआरएनए मिमिक्री, ठीक है, तो ये ध्यान देने की कोशिश करना कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कभी कभी कंफ्यूजन ना कर दे। स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S को करेगा, टीरोमाइसिन टीयू को करेगा, फ्यूजिडिक एसिड टीजी को करेगा, क्लोरामफेनिकोल पेप्टाइडल ट्रांसफर्स एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा। देयर इज अ कोड यू कैन यूज लाइक विष्णु भगवान प्रकट हुए, बीबीपी, विष्णु भगवान प्रकट हुए सेल वॉल सिंथेसिस के लिए, बीबीपी, वेनोमाइसिन, बैक्टीरियोसिन, पेनिसिलिन, उसके बाद कहां पे प्रकट हुए थे, सीएनएन, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नैलिडेक्सिक एसिड एंड नोवोबायोसिन, ये जो है नैलिडेक्सिक एसिड, दिस इज फॉर सीएनएन, ये क्या करेंगे, ये आपके डीएनए रिप्लिकेशन गायरेज को इनहिबिट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लिए रब बीबीसी पर आते हैं, अगर विष्णु भगवान सीएनएन पे प्रकट हो गए तो रब जो है खुदा भी प्रकट हो जाते हैं बीबीसी पर, रिफामाइसिन, रिफामाइसिन जो है उसके बाद एक्टिनोमाइसिन, यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है, ध्यान देना ये एक्टिनोमाइसिन यहाँ पे होगा और यहाँ पे एक हो जाएगा ब्लियोमाइसिन, ठीक है, सो ब्लियोमाइसिन शुड बी द कंटेनर, रब आर ए बी, ठीक है, तो रिफामाइसिन एंड एक्टिनोमाइसिन एंड ब्लियोमाइसिन ये इन्वॉल्व हो जाएगा, रिफामाइसिन बीटा सब यूनिट, एक्टिनोमाइसिन ब्रेक द डीएनए एंड ब्लियोमाइसिन कट द डीएनए, रब बीबीसी पर आते हैं। एंड उसके बाद जनरल नॉलेज की तपस्या केएफसी में करो, दिस इज लाइक जेंटामाइसिन, ठीक है, नियोमाइसिन एंड दिस इज लाइक जनरल, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो जनरल जीएन, ठीक है, तो दिस इज द कोड हियर GNRL, जनरल KNL, नॉलेज की तपस्या, ठीक है, TPS तपस्या के FC में करो, GNT के जो इसके बात कर रहे थे तो ये हमने इनविट कर रहे थे किसके लिए, 16S के लिए, टेट्रासाइक्लिन जो था ए साइट के लिए था, प्यूरो नॉट प्यूरो इट इज प्यूरोमाइसिन, ठीक है, प्यूरो फॉर टीआरएनए मिमिक्री के लिए था, टीआरएनए मिमिक्री कर रहा था ये, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन 30S सब यूनिट के लिए था, कीरो जो था ये टीयू के लिए था, ये था आपके जी के लिए फ्यूजिडिक एसिड, एंड क्लोरामफेनिकोल 23S जो इसके लिए थे पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट इसके लिए, सो दीस आर लाइक कोड, यू कैन यूज इट एंड यू कैन ट्रैक इट वेरी इजीली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, होप कि आपको समझ में आ गया, और मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चरशिप या पीएचडी का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो मुकाम। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा आपको यहाँ सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है, अब एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED educating India WED educating India WED educating India